हेलो गाइस, दिस इज़ मुकेश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। और आज हम आए हैं जापानी टेम्पल। और ये हमारे तमिल भाई, जिसे आप पहले के वीडियो में देखे होंगे। तो ब्रो, आप चलेंगे? हाँ यार, श्योर। यहीं रहेंगे या चलेंगे? जाएगा। बैग रखिए अपने पास, हम आते हैं। आते हैं ऊपर से पहले, ठीक है? तो हमारे तमिल भाई यहाँ पे 5 बार आ चुके हैं जापानीज़ टेम्पल में। तो इस बार बोले कि यार हम नीचे रहते हैं, आप होके आइए। तो ठीक है भाई, हम चलते हैं ऊपर। और ऊपर आने के बाद हमें जो सीन दिखाई पड़ता है वो ये रहा। इस पे बड़ा कृपया शांति बनाए रखें। तो इस फॉगी कुछ ज़्यादा है तो आपको सही से दिख नहीं रहा होगा। इस जापानी टेम्पल के बारे में अगर कुछ बताएं तो यह टेम्पल फाउंड किया गया था 1972 में, और 3 साल लगे हैं इस टेम्पल को बनने में। और इसका जो उद्घाटन हुआ था वो 1992 में। तो पहले ऊपर चलते हैं हम, और काफ़ी फॉगी के वजह से आपको सही से दिख नहीं रहा होगा। तो हम रेलिंग पर चढ़ना मना है। हम कौन सा चढ़ रहे हैं यार? चल रहे हैं अभी सीढ़ियों पे। और जितने भी लोग दार्जिलिंग घूमने आते हैं वो इस जापानीज टेम्पल में एक बार विजिट ज़रूर करते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, यहाँ के बारे में जानते हैं। और हम भी कुछ फ़ोटो खिंचवाने आए हैं, इसके बारे में कुछ बताने आए हैं। और आप लोग अगर दार्जिलिंग आते हो तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोग के लिए। फॉगी ज़्यादा है यार, इसलिए यहाँ से थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश करेंगे। ये रहा जापानीज टेम्पल, जो आपको वीडियो में ज़्यादा क्लियर दिखेगा नहीं। आप लोग को जापानीज टेम्पल देखने का जो बेस्ट टाइम रहेगा वो कुछ नवंबर से दिसंबर में आइएगा, तो मौसम काफ़ी साफ़ रहता है उस टाइम। और अभी फॉगी के वजह से उतना कुछ साफ दिख नहीं पाएगा। तो अभी चलते हैं हम और ऊपर। कृपया अपना जूता उतार ले नीचे। उतार लीजिए। ये है जापानीज टेम्पल का पीछे का सीन।
हाँ जी, तो अभी जो आपने बुद्ध की मूर्ति देखी, ये सारा मूर्ति सोने का कलर से चढ़ाया हुआ है, और ये सब पत्थरों को वो मतलब ऐसे ठक 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 मार मार के वैसे बनाया हुआ है। और यहाँ भी देखिए एक बुद्धा की मूर्ति, तो यहाँ पे बुद्धा की जितनी सारी मूर्तियाँ हैं वो सब सोने का कलर वैसे चढ़ाया हुआ है। और तमिल ब्रदर है अभी नीचे, ठीक है जी, तो चलते हैं। ठीक है जी, यार वो बोर हो जाता होगा, बोलेगा कहाँ चल गया ये सौरभ।